गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आज है सैटरडे और सच बताऊँ पिछले कुछ दिन जो है ना बहुत मुश्किल बीत रहे हैं गुड़गांव में। जो लोग गुड़गांव और दिल्ली NCR में रह रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट है पिछले कुछ दिनों से। पता नहीं कोल की शॉर्टेज हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और जहाँ से कोल सप्लाई उनको मिलता था वहाँ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से कॉन्स्टेंट पावर कट हो रहे हैं। डेली बेसिस पे 8-8 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। और अब तक तो किसी तरह से DG चला चला के, जनरेटर चला चला के मैनेज कर रहे थे, बट अब वो भी ऐसा लग रहा है कि यू नो, जितना अर्न कर रहे हैं सारे का सारा डीजल में जा रहा है, क्योंकि डीजल भी इतना सस्ता है नहीं, डीजल भी बहुत महंगा है। तो ये मेरी आजकल की दुख भरी कहानी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जाके किसी मॉल वॉल में आसपास में जाके बस जाऊँ, कुछ दिन के लिए तंबू वम्बू लेके जाऊँ और वहाँ का तंबू गाड़ के कुछ दिन के लिए वही बसेरा कर लो जब तक इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग यहाँ से। और आज हमें मेरी सिस्टर के लिए थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करना है, मेरे भाई के लिए भी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना है। रोशन जो है कुछ दिनों में यहाँ से जा रहा है, आशवे के बर्थडे में आया था, बहुत मज़ा आ रहा था कुछ दिनों से सही बताऊँ तो। बट सिंस मेरा जॉब भी जो है वो बहुत ही नया था और मुझे बहुत सारा टाइम अभी अपने जॉब को डिवोट करना था, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम अच्छे से बिता नहीं पाया इन लोगों के साथ। बट ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ दिनों बाद मैं अपने होम टाउन में जाऊँगा, वहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगा जब एक बार सब कुछ सेटल हो जाए। जो है सुबह सुबह चाय बना देती है, तो चाय से दिन की शुरुआत हो रही है। क्या से क्या हो गया, क्या हो गया पायल? ये क्या हम अपना इनकम का 30% टैक्स इसलिए देते हैं ताकि हम गर्मी में मरे, हमारे बच्चे गर्मी में परेशान हो? कोल का डिप्लीशन नहीं हुआ इंडिया में, मेरे सुख चैन मेरी जिंदगी की खुशियों का डिप्लीशन हो गया। इसको तो नींद ही नहीं आई है रात से भाई। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके स्टेट जहाँ भी आप रहते हो वहाँ भी ऐसा कुछ इशू चल रहा है क्या? फिर से दीपक रही कहाँ चली ए परी, कहाँ चली? नहीं उठ रही तुमसे, छोड़ दो गुस्सा हो जाएगी दीदी। फिर क्या हो रहा है? बड़ी बहन छोटी बहन को घुमा रही है। अरे बाबा, मजा आ रहा है आशु आपको? हाँ गाइस, लाइट आ गई है। बड़े देर बाद लाइट आई है, कितनी खुशी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, के सामने खड़े हो गए आप। अपर्णा ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया है और शी इज क्राइंग फ्रॉम इनसाइड। क्या हुआ बे, क्या हुआ अपो? लॉक हो गया अपो, अपू लॉक हो गई है, छोड़ो इसको। अपू लॉक हो गई। हमें जाना नहीं है हॉस्पिटल, जाना है ना हमें, अपॉइंटमेंट कुछ लिया नहीं है, हॉस्पिटल जाना है। वाह, मैं प्रतीक्षा में बात कर लेता हूँ कंप्यूटर से। मजाक है क्या? तीसरी बार चाय बना रही है क्योंकि आज हम नाश्ते में करने वाले हैं बन बटर और चाय। अपर्णा
अपर्णा थेरेपी चल रही है। बच्चे से काम करा रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? था कि एक दिन मेरी बेटी होगी तो करेगी, अभी अपर्णा बेटी कर रही है, फिर आश भी होगी तो बड़ी तो वो करेगी, यही मेरा सपना था। ये क्या लगा रहे हो अपर्णा? ये मेरे ट्रेड्स थे बचपन में, मैं मम्मी सोती थी दोपहर में, मैं 5-6 साल की थी और मैं मम्मी का मेकअप करती थी डेली और मम्मी के हाथ में पेंसिल पहनते लगाती थी, और अभी देखो अपर्णा वही चीजें कर रही है, तो इसके भी चांसेस है कल को ये भी ब्यूटी ब्लॉगर बनेगी। क्यों ना व्लॉग करूं मैं? अरे मैं लाइट ब्लॉग करने को मना करूं, बेवकूफ आदमी। क्या है ये? कुमकुम ने दिया है आशवी को गिफ्ट, कैरेट लेन से हमने चेन मंगवाया है गोल्ड। वाह, इसमें है बहुत ही सुंदर डिजाइन। बोलो मेरे लिए पॉपकॉर्न लाया था, वो दी दिए। क्या लाया था? पॉपकॉर्न। कब लेके आया था मैं तुम्हारे लिए? मुझे याद है, आप तो चुरा के आप अब भूल गए हैं। अच्छा, कैमरा कहाँ गया इस पैसे? कैमरा पहली बात मेरा है, मैंने खरीदा था और मेरी मर्जी। क्या किया, जैसे मैंने आज का व्लॉग शुरू किया वैसे इसने कैमरा लेके अपना छुपा दिया है और मेरे को व्लॉग नहीं करने दे रही है। ये सब जो है ना इसकी साजिश है, ये चाहती नहीं है कि मैं व्लॉग करूं, क्योंकि मैं व्लॉग करूंगा ना तो इसका व्लॉग जो है ना उसका सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा पहले। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, अपर्णा का रूटीन चेकअप है और आशवी के पैर में थोड़ा सा वाइट वाला स्पॉट हो गया था तो उसको जो है दिखाना ज़रूरी है। तो जी अभी इंतज़ार हो रहा है खाने का। क्या ऑर्डर किया है? छोले भटूरे। क्या ऑर्डर किया है? छोले भटूरे। तुमने क्या ऑर्डर किया है? कुछ नहीं, सबके साथ मिलके खाएंगे। तो गाइस अभी हम डॉक्टर हॉस्पिटल से होके आ गए और जो भी था आशवी का भी बताया डॉक्टर ने कि जो अभी ऐसा कुछ वरी करने वाली बात नहीं है, अगर खाना आ जाए, खाना खा के फिर हम जाएंगे पायल को पिक करने। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ। चलो यू एंजॉय इट। बहुत मजा है। चलो अब घर चलते हैं, ठीक है? हम भी गए थे ओम स्वीट्स, हमने अच्छा अच्छा खाना खाया। पार्टी हो गई है हमारी। तो बिना मेकअप के इतना अच्छा लग रही हो, तुम तो वीडियो बनाने वाली थी। बिजली मेरा दुश्मन। हाँ बिल्कुल गाइस, फिर से लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई है, चाय पीने का मन। और अंधेरे में हम चाय पियेंगे। और ये आशवी, लुक एट दिस फेस एंड आई वांट टू शो यू अनदर फेस। लुक एट, अरे इसका पोनीटेल तो छुपा लिया इसने। हाँ, मतलब आशवी की तरह दिखती है ना मासा। सो गाइस, वीडियो के एंड में वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको सबको वेट था, विच इज गिव अवे अनाउंसमेंट फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन फ्रेश व्लॉग्स। तो आज हमारे लिए यहाँ पे दो विनर्स है, बट दुखी नहीं होने का, मैं भी अपने YouTube चैनल पे अनाउंस कर रही हूँ दो और गिव अवेज, जो आप मेरे रिसेंट वीडियोज चेकआउट करते रहना, मिल जाएगा आपको। सॉरी गाइज, हम थोड़ा लेट आए हैं, प्लीज माफ करना, क्योंकि आपको पता है ना, आप तो फैमिली हो, आप तो सब जानते हो क्या व्लॉग कर ही नहीं रहते कि आज का व्लॉग भी मैंने पीछे से डंडा दिया ना तब तो विनर्स हम पिक करेंगे, दोनों को मिलेगा स्किन केयर कॉम्बोज। तो इस कॉम्बो में एक है एलोवेरा टोनर, देन वी हैव डर्मडॉक का डे क्रीम एंड वी हैव ऑयल कंट्रोल फेस सीरम। और सेकेंड वाले कॉम्बो में क्या है? सेकेंड वाले कॉम्बो में एलोवेरा का हाइड्रोलिक एसिड एंड तुम बस बता, एलोवेरा टोनर है ना, टोनर है, स्किन एसेंस है, ये है स्किन ग्लो एसेंस है, और एक मॉइस्चराइजर है, डे क्रीम है। तो बेसिकली आपको हम एक स्किन केयर सोल्यूशन दे रहे हैं, बट मैंने सोचा मेरे चैनल पे जो गिव अवे मैं होस्ट करूंगी उसमें मेकअप भी ऐड करेंगे, तो उस वीडियो के लिए भी बने रहना। रूल बहुत सिंपल है, सब्सक्राइब टू प्राश व्लॉग, सब्सक्राइब टू प्रियंका घोष चैनल, सारे रूल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ मिस आउट मत करना। और आप हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो करिए, प्राश व्लॉग्स, प्रियंका घोष हैंडल्स ऑफिशियल सारे। और तीसरी चीज है, बस कुछ भी लिख देना यार कि पार्टिसिपेटेड क्या अच्छा लगता है, कुछ भी लिख देना ताकि हमको पता चले कि आपने पार्टिसिपेट। कमेंट सेक्शन में दे देना हैशटैग गिवअवे, बस हम समझ जाएंगे आपने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? थैंक यू सो मच आपका, आपने ढेर सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, आज हम इतना पहुंच पाए हैं। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग गाइस, हम बहुत सारे गिवअवेज लेकर आएंगे, हम बहुत परेशान है, गुड़गांव में पावर क्राइसिस चल रही है भयंकर वाली। सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।